हेलो एवरीवन, आज हम ये ट्रांजिशन इफेक्ट बनाना सीखेंगे जिसको तुम वेडिंग टीजर या प्री वेडिंग वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। मैंने ये क्लिप भी अपने ही एक प्री वेडिंग शूट से लिया है। तुम जो भी क्लिप लो, पहले डिसाइड कर लो कि इस इफेक्ट के लिए तुम्हें कितने पार्ट्स करने हैं। जैसे इस क्लिप में मैंने 3 पार्ट करने का डिसाइड किया है। पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा ये वाला पार्ट और तीसरा होगा ये वाला पार्ट। तो पहले हम इस क्लिप की ड्यूरेशन कम कर लेंगे। अब क्लिप में ऐसा फ्रेम ढूंढना है जहां हम ये इफेक्ट चाहते हैं। मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां सब्जेक्ट अच्छे से विजिबल है। रेजर टूल की हेल्प से इस जगह कट कर देंगे। अब बाकी के क्लिप को आगे करके जगह बना लेंगे और जो क्लिप कट किया है उसका लास्ट फ्रेम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहां से ऐड फ्रेम होल्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐसा करते ही फ्रेम होल्ड हो जाएगा। अब आगे वाले पार्ट को डिलीट करेंगे और बाकी के पार्ट को ड्रैग करके ड्यूरेशन इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद हमें इस क्लिप की 2 कॉपीज बनानी है, जिसके लिए कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस करके इस क्लिप को एक ट्रैक ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। हमें 2 कॉपीज चाहिए, इसलिए हम ऐसा 2 बार करेंगे। अब सबसे ऊपर वाली क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की दोनों क्लिप्स को अभी के लिए डिसेबल कर देंगे और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आएंगे। यहाँ ओपेसिटी के नीचे बेजियर टूल को सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट की मास्किंग करेंगे। तुम चाहो तो मास्किंग के लिए स्क्रीन को जूम कर सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूँ, इससे मास्किंग अच्छे से हो। यहाँ मास्किंग वाला पार्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब पहले ट्रैक को डिसेबल करेंगे और दूसरे ट्रैक को विजिबल कर लेंगे और क्लिप को सिलेक्ट करके फिर से इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आएंगे और ओपेसिटी के नीचे बेजियर टूल की हेल्प से दूसरे पार्ट की मास्किंग करेंगे, जैसा पहले वाले क्लिप में किया था। मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके बाद तीसरे ट्रैक को विजिबल करेंगे और इस क्लिप में स्काई वाले पार्ट को मास्क करेंगे। तीनों ही क्लिप में मास्किंग करने के बाद तीनों ही क्लिप के मास्क फेदर को 10 से 0 कर देंगे, क्योंकि फेदर के साथ ये इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब तीनों ही क्लिप्स के ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे, जिसके लिए हम तीनों क्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे और एंड से ड्रैग करेंगे और नीचे के दोनों ट्रैक्स को डिसेबल कर देंगे। फिर सबसे पहले वाले क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे। मोशन के नीचे पोजीशन की कीफ्रेमिंग इनेबल करेंगे और वाई एक्सेस की वैल्यू को कम करेंगे जब तक के सब्जेक्ट फ्रेम से गायब ना हो जाए। अब कुछ फ्रेम्स आगे जाकर रीसेट पैरामीटर पर क्लिक कर देंगे और कीफ्रेमिंग लग जाएगी। अब जहां हमारा प्लेहेड है वहीं से दूसरी क्लिप स्टार्ट होनी चाहिए। इसके लिए हम दूसरी क्लिप की ड्यूरेशन को कम कर देंगे और इस क्लिप को सिलेक्ट करके फिर से हम इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आएंगे और यहां भी पोजीशन की कीफ्रेमिंग को इनेबल करेंगे और कुछ फ्रेम्स आगे करके मोशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम मॉनिटर पर जाएंगे और क्लिप को डायगोनली ड्रैग करके फ्रेम से बाहर कर देंगे। ऐसा करने पर एक कीफ्रेम बनेगी जिसको हम
क्लिप के स्टार्टिंग में प्लेस कर देंगे और रीसेट पैरामीटर पर फिर से क्लिक कर देंगे और दूसरी की फ्रेम वहीं पर लग जाएगी। अब फिर से जहां हमारा प्लेहेड है वहीं से तीसरी क्लिप स्टार्ट होनी चाहिए, जिसके लिए हम तीसरी क्लिप की ड्यूरेशन भी कम कर देंगे और पोजिशन की फ्रेमिंग इनेबल कर देंगे। फिर मोशन पर फिर से क्लिक करके प्रोग्राम मॉनिटर पर आएंगे और क्लिप को डायगोनली ड्रैग करके बाहर कर देंगे जैसे हमने दूसरी क्लिप में किया था। अब कुछ फ्रेम्स आगे जाकर रीसेट पैरामीटर पर क्लिक कर देंगे और की फ्रेमिंग लग जाएगी और इसी के साथ ये इफेक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक स्टेप और ऐड करूंगा जिसमें लास्ट की दोनों क्लिप्स की ड्यूरेशन मैं बराबर कर दूंगा, जिससे फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा लगेगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।